नमस्कार मित्रों, स्टडी फॉर सोशल सर्विसेज पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारी फिजिकल ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज का 17th लेसन है, तो ये आपका 17th हैंड आउट है जिसमें हम लोग अगले अपने क्लाइमेटिक जोन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपका द कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, या फिर इसको आप कह सकते हैं ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो फ्रेंड्स, अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चैप्टर नंबर 21 ऑफ जीसी लियोंग, द वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, जिसे आप चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पूरी लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से फिजिकल ज्योग्राफी की जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है जीसी लियोंग, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बता दूं। अगर आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर दो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिखे हुए हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके वो पेड कोर्स हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पेड कोर्स स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के साथ साथ जो आपका यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम है उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे टेलीग्राम के चैनल्स के ग्रुप्स के लिंक लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यहाँ पर ईजिली आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी वीडियोस यहाँ पर हमारे द्वारा बनाई जाती है उसका वीडियो नोटिफिकेशन इन ग्रुप्स या चैनल्स पर अपलोड किया जाता है। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल्स या ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप इन्हें भी जा करके ज्वाइन कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे वर्ल्ड क्लाइमेटिक टाइप्स, जो भी कोर कॉन्सेप्ट हैं फिजिकल ज्योग्राफी के वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पुराने चैप्टर्स में, और अभी हम लोग वर्ल्ड क्लाइमेटिक टाइप्स पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने इक्वेटोरियल जोन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, 0 to 10 degrees नॉर्थ एंड साउथ, और ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। उसके बाद हम लोगों ने हॉट जोन डिस्कस किया जिसमें बेसिकली तीन क्लासिफिकेशन थे क्लाइमेट के, जो हॉट जोन था हमारा फर्दर क्लासिफाइड था थ्री टाइप्स में, तो उसमें था आपका ट्रॉपिकल, मानसून, मैरीन। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, एंड आफ्टर दैट डिजर्ट सहारन और डिजर्ट मिड लैटिट्यूड टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल, मानसून और मैरीन क्लाइमेट में जो कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, जैसे कि अगर रेनफॉल डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर जो रेनफॉल होती थी वो समर सीजन में होती थी, मतलब कि गर्मियों के सीजन में यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती थी, और जो इसका अमाउंट था वो था 60 to 70 inches। अगर फ्रेंड्स नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पर मानसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते थे, और अगर इक्वेटोरियल जोन की हम लोग बात करें जिसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट था 0 to 10 degrees नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, तो वहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन हमें मिलता था वो आपका इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट था। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड वेयर नेचुरल वेजिटेशन इज ऑफ सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मिलते थे जिसमें मैंने आपको कुछ ट्रॉपिकल या टेम्परेट ग्रासलैंड्स के नाम बताए थे। एंड फाइनली हम लोगों ने डिजर्ट सहारन टाइप या डिजर्ट मिड लैटिट्यूड टाइप देखा जिसमें लिटिल रेनफॉल होती थी, डिजर्ट वेजिटेशन या स्क्रब यहाँ पर मिलते थे। और फिर हम लोग अगला जो क्लाइमेटिक टाइप है वार्म टेम्परेट जोन, जिसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 30 to 40 degrees नॉर्थ या साउथ ऑफ द इक्वेटर, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया जिसमें फर्दर ये तीन डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाइड था, जिसमें आपका एक था वेस्टर्न मार्जिन मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसमें अगर रेनफॉल रिजाइम की बात करें तो यहाँ पर कुछ पेक्यूलर बिहेवियर शो करती थी रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर बाकी सीजन्स में हम लोग देखें अगर बाकी क्लाइमेटिक जोन्स में तो जो रेनफॉल होती थी वो समर सीजन में होती थी, लेकिन यहाँ पर जो वार्म टेम्परेट जोन है इसका जो वेस्टर्न मार्जिन होता है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पर जो रेनफॉल होती थी वो विंटर रेनफॉल थी। अब ऐसा क्यों था, तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स विद अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन, जैसे जैसे सन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ता है नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फीयर में, तो उसके साथ जो हमारी विंड बेल्ट्स होती हैं वो भी, या जो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं वो भी शिफ्ट करती हैं, जिसके कारण ये जो हमारा मेडिटेरेनियन रीजन है ये समर सीजन में ईस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आ जाता था, जिसके जो कि आप कह सकते हैं ऑफ शोर विंड्स थी, जो ईस्टर्लीज थी हमारी वो ऑफ शोर विंड्स थी, दैट मीन्स कि वो मॉइस्चर लादन विंड्स नहीं थी, या आप कह सकते हैं रेन बियरिंग विंड्स नहीं थी। तो समर सीजन में रेनफॉल ना होकर के जब हमारा जो प्रेशर बेल्ट है वो साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट होता था, और यहाँ पर जो हमारे मेडिटेरेनियन रीजन है जब ये वेस्टर्लीज के इफेक्ट में आता था, जो कि एक रेन बेयरिंग विंड थी या फिर हम कह सकते हैं ऑन शोर विंड्स थी, तो यहाँ पर रेनफॉल होती थी विंटर सीजन में। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने विद फिगर इस चैप्टर में किया हुआ है जिसमें हम लोगों ने मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में डिस्कशन किया था। तो विंटर रेनफॉल यहाँ पर हैवी, आप बिल्कुल हैवी तो नहीं कह सकते, 35 inches की रेनफॉल होती थी, और जो यहाँ पर वेजिटेशन मिलता था हमें नेचुरल वेजिटेशन वो था मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट या श्रब्स, राइट। अब यहाँ पर मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में भी हम लोगों ने देखा था कि एवरग्रीन, डिसीडियस और जो कॉर्निफर्स थे मेनली, या फिर जो सिट्रस प्लांट्स थे, ठीक है, ऑरेंज, लेमन, तो ये सारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ्लरिश होते थे।
फिर हम लोगों ने फ्रेंड्स सेंट्रल कॉन्टिनेंटल या स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात की थी, जो कि हमारा छठा क्लाइमेटिक जोन था, और यहाँ पर भी लाइट समर रेनफॉल होती थी 20 इंचेस की, एंड द नेचुरल वेजिटेशन फाउंड हियर इज ऑफ स्टेपी और टेम्परेट ग्रासलैंड्स, राइट। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, फिर हम लोगों ने टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात की थी, जिसमें वेल्ड हम लोगों ने पढ़ा, प्रेरीज पढ़े, पैम्पस का पैम्पस जो ग्रासलैंड्स हैं, या वेल्ड जो ग्रासलैंड्स हैं डाउन ऑस्ट्रेलिया वाला, तो ये सारे हम लोगों ने डिस्कस किए। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों ने ईस्टर्न मार्जिन को डिस्कस किया, जिसमें आप तीन फर्दर क्लासिफिकेशन थे, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट और नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसमें हैवियर रेनफॉल जो होती थी वो समर सीजन में होती थी 45 इंचेस की, और जो नेचुरल वेजिटेशन था इट इज़ ऑफ टाइप वार्म वेट फॉरेस्ट एंड बैम्बू वेजिटेशन, राइट। तो ये हमारा फ्रेंड्स लास्ट चैप्टर था, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने सातवां क्लाइमेटिक जोन पढ़ा था। आज के इस लेसन में फ्रेंड्स हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज के इस लेसन में पढ़ेंगे कूल टेम्परेट जोन। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में वार्म टेम्परेट जोन पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे कूल टेम्परेट जोन, और ये इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 45 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ या साउथ ऑफ द इक्वेटर माना जाता है, राइट। तो अगर इक्वेटर से हम लोग 45 से लेकर के 65 के बीच में जाएं नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जिसे आप उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, या फिर 45 से लेकर के 65 डिग्री लैटिट्यूड में अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में जाएं या दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पर हमें जो क्लाइमेटिक जोन मिलता है वो मिलता है कूल टेम्परेट जोन, क्योंकि आपको पता ही है कि ये हायर लैटिट्यूड्स हैं, और हायर लैटिट्यूड्स पे जो सन की रेज हैं वो स्लैंटेड पड़ती हैं, सन की रेज स्लैंटेड पड़ती हैं, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द ईयर कम ही रहता है, और टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, और प्रेशर ज़्यादा होने से यहाँ पर क्या होगा, सब्सिडेंस होगा। तो इस वाले जोन को अगर हम लोग 65 डिग्री नॉर्थ की बात करें या 65 डिग्री साउथ की बात करें, तो हम लोगों ने देखा था कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पे हमको मिला था सब पोलर हाई लो प्रेशर बेल्ट, राइट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बाद पोलर हाई प्रेशर बेल्ट था, तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पे हम लोगों ने देखा था कि जो विंड थी वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रही थी, मतलब वहाँ पे असेंडिंग डायरेक्शन में थी विंड की डायरेक्शन, राइट। तो ये फ्रेंड्स जो कूल टेम्परेट जोन है ये भी फर्दर तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड है, आप कह सकते हैं। पहला है आपका वेस्टर्न मार्जिन, तो इसमें इसको पॉपुलरली बोला जाता है ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसकी बहुत ही खास बात है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और जो इसमें रेनफॉल होती थी वो मोर रेन इन ऑटम सीजन, और यू कैन से दैट इन विंटर सीजन अबाउट 30 इंचेस, तो 30 इंचेस की रेनफॉल होती थी, और जो नेचुरल वेजिटेशन होता था वो आपका डिसीडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आज जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है हमारा वो आज हम लोग पढ़ेंगे कूल टेम्परेट जोन के बारे में, राइट। अब डिसीडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं फ्रेंड्स, कि जो अगर कोई प्लांट या ट्री एक पर्टिकुलर सीजन में अपने लीव्स को छोड़ दे, ठीक है, अपने लीव्स गिरा दे, तो उस प्लांट को या उस ट्री को हम लोग बोलेंगे डिसीडियस ट्री। क्योंकि क्या ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो लॉस ऑफ वाटर होता है उससे बचने के लिए, जो ट्रांसपिरेशन या आप कह सकते हैं जो इवेपो ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होती है, या फिर अगर हम लोग कहें कि अगर एक डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड है वहाँ पर, तो ऐसे प्लांट्स वहाँ पर पाए जाएंगे, राइट। और जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है वो हमें पता है कि वो जो एक फेवरेबल कंडीशन देते हैं वो एवरग्रीन ट्रीज़ के लिए, तो यहाँ पर रेनफॉल इतनी ज़्यादा होती नहीं है, और ज़्यादातर रेनफॉल जो होती है वो ऑटम या विंटर सीजन में होती है 13 इंचेस की। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाया जाता है वो डिसीडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलता है, और डिसीडियस फॉरेस्ट में अभी हम लोग देखेंगे कि जो ट्रीज़ होते हैं वो कार्निफर्स, बेसिकली जो ज़्यादातर ट्रीज़ होते हैं वो कार्निफर्स प्लांट होते हैं, राइट। तो अगर इस फिगर की हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोगों ने हॉट वेट इक्विटोरियल क्लाइमेट डिस्कस कर लिया। अब इस फिगर को पढ़ने के लिए अगर आप ऊपर के डायरेक्शन में मूव करें, अगर आप साउथ टू नॉर्थ जाएंगे, तो आप देखिए लैटिट्यूड हमारा बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले अगर हम देखें तो अपने पास यहाँ पर मिलेगा 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे 10 डिग्री नॉर्थ पे, देन 30 डिग्री नॉर्थ पे, 45 डिग्री नॉर्थ पे, और इसी तरह ऊपर जाते जाते हम लोग जिस क्लाइमेटिक जोन की आज बात करने जा रहे हैं उस क्लाइमेटिक जोन में पहुँचेंगे, जो कि आपका 45 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर या साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो इस क्लाइमेटिक जोन में तीन बॉक्स आपको दिख रहे हैं, तीन तरीके से क्लासिफाइड है, एक आपका है ब्रिटिश टाइप, एक है साइबेरियन टाइप, और एक है लॉरेंशियन टाइप। तो आज हम लोग ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करेंगे, जिसमें आपको ये एरो दिख रहा है हाईलाइटेड वे में, राइट। तो यू कैन से दैट इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें 23.5 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, या फिर आर्कटिक सर्किल की बात करें 66.5 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, तो इसके बीच में आपको मिल जाएगा अपर लेयर में ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, या आप कह सकते हैं वेस्टर्न मार्जिन जो है वहाँ पर ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो दिस लेसन इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड बाय माई सेल्फ मृत्युंजय उपाध्याय, एंड दिस इज चैप्टर नंबर 22 ऑफ जीसी लियोंग, और जिसका टाइटल है द कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे जितना रेड पोर्शन में हमें दिख रहा है मैप में, ये जो रेड वाला है ये आपका ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। न्यूजीलैंड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी वेस्टर्न मार्जिन पे आपको मिल जाएगा ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। उसके बाद आप नीचे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के या फिर जो साउथ अमेरिका का एकदम सदर्न टिप है वहाँ पर, ठीक है। और अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर आपको कनाडा और जो यूएसए का वेस्टर्न एरिया है, वेस्टर्न मार्जिन है, और जो बॉर्डरिंग एरिया है पैसिफिक ओशन से, वहाँ पर आपको मिल जाता है ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। स्कैंडिनेवियन में भी आपको देखिए यहाँ पर मिल जाएगा, और हाफ ऑफ द यूरोप में आपको पूरा ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। तो फ्रेंड्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर बात करें, सो दिस क्लाइमेटिक जोन इज अंडर द परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज ऑल अराउंड द ईयर। तो ये बात तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर अगर इस लैटिट्यूड की हम बात करें 45 to 65, तो यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस होता है वो वेस्टर्लीज का होता है। अब वेस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस कैसे होता है, तो अगर फिर मैं आपको पूरा विंड बेल्ट बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो आप अगर विंड बेल्ट वाला जो जिसमें हम लोगों ने प्रेशर बेल्ट डिस्कस किया था, तो अगर वो लेसन आपने नहीं देखा है तो वो लेसन आप जा करके देख लें। आपको छोटा सा क्लू दे देता हूँ, जैसे कि हम लोग इक्वेटर पे बात कर रहे थे तो यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा था ईस्टर्लीज का, ठीक है। ईस्टर्लीज मतलब जो ईस्टर्न डायरेक्शन से जो पूर्व से पवने आ रही हैं, तो वहाँ पर जो कन्वर्ज कर रही थी ITCZ पे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पे, तो इनको हम बोलते थे ईस्टर्लीज। उसी तरह अगर इस लैटिट्यूड की हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग को मिलते थे वेस्टर्लीज, ठीक है। तो इस टाइप की यहाँ पर ऐसे विंड चलती हैं, और जो ये वेस्टर्लीज विंड है ये आपकी रेन बियरिंग विंड्स होती हैं, क्योंकि आप देखिए अगर हम इस जोन की बात करें तो यहाँ पर वेस्टर्लीज ऐसे चलेंगी, ठीक है, ये वेस्टर्लीज की डायरेक्शन होगी। तो ये ओशियन से लैंड की तरफ चल रही है, तो ओशियन से जो भी विंड लैंड की तरफ चलती है वो कैसी विंड होती है, वो होती है आपकी ऑनशोर विंड। ऑनशोर विंड में क्या खासियत होती है कि वो मॉइस्चर कैरी करते हैं ओशन सरफेस से और रेन कर फॉल करवाते हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं दे आर मॉइस्चर लादन विंड्स और रेन बियरिंग विंड्स कमिंग फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन टू द ईस्ट डायरेक्शन, और वी कैन से दैट कमिंग फ्रॉम द ओशन सर्फेस टूवर्ड्स द लैंड रीजन और कॉन्टिनेंटल इंटीरियर। तो ये रेनफॉल के लिए उत्तरदायी होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पूरा जोन है हमारा ये आपका वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में थ्रू आउट द ईयर रहता है, चाहे हम नॉर्थ की बात करें या साउथ की बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध की बात करें या फिर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो वेस्टर्लीज के कारण हम कह सकते हैं दे आर द रीजन ऑफ मच फ्रंटल साइक्लोनिक एक्टिविटी, या यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं, एंड द बेस्ट सीन इन ब्रिटेन, हेंस नोन एज ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। और ये जो फ्रंटल साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है वो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से देखने को मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन है वहाँ पर ये चीज़ें बहुत अच्छे से एग्जिबिट होती हैं, इसलिए इसको हम लोग ब्रिटेन के ही नाम पर ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। नाउ द पोर्ट्स आर नेवर फ्रोजन बट फ्रॉस्ट डू अकर ऑन कोल्ड नाइट्स। अब फ्रॉस्ट क्या होते हैं, आप वी कैन से दैट फ्रोजन सॉयल और फ्रोजन लैंड इज नोन एज फ्रॉस्ट। तो जो यहाँ पर अब अगर इस लैटिट्यूड की हम लोग बात करें, अगर इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड की हम लोग बात करें, तो यहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर बहुत कम होता है। अब टेम्परेचर जैसे जैसे हम इक्वेटर से जितना दूर जाते हैं तो हमें पता है कि जो टेम्परेचर होता है वो कम होता जाता है, अगर हम लैटिट्यूड्स पे आगे ऊपर की ओर या नीचे की ओर बढ़ते रहें। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये अब इतना मैं मतलब आशा कर सकता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि हाई लैटिट्यूड्स पे हमारा टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स अगर इस पर्टिकुलर लोकेशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, तो जिसके कारण ठंडी बहुत ज़्यादा होगी और ये पूरा एरिया आप कह सकते हैं कि बर्फ से ढका हुआ होगा। अगर इसी जोन में, जैसे अगर हम इस पर्टिकुलर यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आपका ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ईस्ट में जाएँ और साइबेरिया में जाएँ तो साइबेरिया में पूरा वो बर्फ से ढका रहता है, ठीक है, तो पूरा फ्रोजन कंडीशन में रहता है, लेकिन यहाँ पर कभी बर्फ नहीं जमती है। तो अगर हम ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करें तो जहाँ जहाँ पर ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है वहाँ पर वो एरिया कभी भी बर्फ से ढके हुए नहीं होते। तो जो यहाँ पर पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो कभी भी दे आर नेवर फ्रोजन, लेकिन फ्रॉस्ट कभी कभी रात में होता है। अब वो पोर्ट्स बर्फ से ढके हुए क्यों नहीं होते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे, अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, राइट। नाउ फ्रॉम ब्रिटेन द क्लाइमेटिक बेल्ट स्ट्रेचेस फॉर इनलैंड इनटू लोलैंड्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप इंक्लूडिंग सच रीजन्स, जैसे कि अगर हम बात करें एज नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, वेस्टर्न नॉर्वे एंड ऑल्सो नॉर्थ वेस्टर्न इबेरिया। अब देखिए अगर आपको ये सारे लोकेशंस नहीं पता हैं तो आप सबसे पहले जो मैप सेक्शन है उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ डेनमार्क, नीदरलैंड, तो ये वाला आपका कह सकते हैं ये जो इतना पोर्शन है ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये आपका यूरोप है। तो आपको एक एक कंट्रीज़ की लोकेशन पता होनी चाहिए, एक एक कंट्रीज़ का
जो कैपिटल्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए, तो ज्योग्राफी आपको पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपको इतनी सारी जानकारी है। अब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं मेरे पास जिससे मैं आपको ये सारा मैप बताऊँगा, लेकिन अभी हम लोग जिस इलाके पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं आप थोड़ा थोड़ा मैप देखते हुए चलिए एटलस साथ में रख के, जो भी लोकेशंस का नाम मैं लेता हूँ वो लोकेशंस आप एटलस में लोकेट करते चलिए, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस सीधे सीधे मैप सेक्शन से आते हैं। और आप देख रहे होंगे पिछले 2-3-4 साल का अगर ट्रेंड हम लोग उठा करके देखें आईएएस के एग्ज़ाम का या पीसीएस के एग्ज़ाम का, तो ज्योग्राफी से जो लार्जेस्ट पोर्शन आता है वो लार्जेस्ट पोर्शन आपका होता है मैप सेक्शन का। 2013 के बाद से फिजिकल ज्योग्राफी के जो कोर कंसेप्ट हैं वो ज्योग्राफी के आप कह सकते हो प्रीलिम्स पेपर में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या देखने को मिलता है ज्योग्राफी से, बेसिकली जो होता है मैप सेक्शन। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो मैप सेक्शन है हमारा उसका इंपॉर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। अब लास्ट ईयर आईएएस के पेपर में क्वेश्चन आया था कि कैटलोनिया, ठीक है, और मैच द फॉलोइंग था, साइड में आपके 2-3 ऑप्शन लिखे थे और उसमें एक ऑप्शन आपका स्पेन भी था। अब ये लास्ट के आप कहोगे लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था, क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि वहाँ पर रेफरेंडम हुआ था। अब रेफरेंडम होने के कारण जो कैटलोनिया है वो बहुत न्यूज़ में था, तो वो आईएएस के एग्ज़ाम में आ गया। तो आपको ये पूरी जो बेसिक नॉलेज है वो आपको मैप सेक्शन की ज़रूरी है। अब जैसे कैटलोनिया की बात करें तो वो यहाँ पर लोकेटेड था, ठीक है, तो अब ये स्पेन में यहाँ पर लोकेटेड था। अब आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक बता ही देता हूँ मैप का, अगर यूरोप के अगर हम लोग मैप की बात करें तो आप देखिए आपको जितने बड़े बड़े नेशंस दिख रहे हैं उनके ऊपर आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब आप वेस्ट टू ईस्ट स्टार्ट करो, अगर वेस्ट टू ईस्ट स्टार्ट करें हम लोग तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा पुर्तगाल, उसके बाद ये आपका है स्पेन, ये आपका है फ्रांस, यहाँ पर आपका है जर्मनी, और ये जो बीच वाला सेक्शन आपको दिख रहा है जर्मनी के बाद, ये आपका है पोलैंड, पोलैंड के बाद ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये आपका है यूक्रेन। अब पोलैंड के और यूक्रेन के बीच में ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये आपका है बेलारूस, ठीक है। तो देखिए एक लाइन ये पूरी हो गई, इस पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस और यूक्रेन, तो ये आपका एक सेक्शन कवर हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर आइए बीच में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो इसको देखिए कैसे याद करेंगे। जो आपको जर्मनी और पोलैंड के बीच में बिल्कुल दिख रहा है थोड़ा सा लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है, तो ये आपका है चेक रिपब्लिक, ठीक, बीच वाला हो गया चेक रिपब्लिक, और चेक रिपब्लिक के जस्ट बगल में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्लोवेकिया, स्लोवेकिया के नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा हंगरी, और हंगरी के बगल में और आपको चेक रिपब्लिक है उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ये आपके बीच के चार कंट्रीज़ हो गए, कौन कौन से हो गए, चेक रिपब्लिक, स्लोवेकिया, हंगरी और ऑस्ट्रिया, ठीक है। उसके बाद आप देखो अब जो आपका ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया के थोड़ा सा नीचे आप आ जाओगे तो आपको मिल जाएगा स्लोवेनिया, और स्लोवेनिया के नीचे आप देखो जो बिल्कुल आपको बिल्कुल ऐसे कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है एक बीच में, तो ये इसको बोलते हैं क्रोएशिया, और क्रोएशिया के नीचे आपको मिलेगा बोस्निया हर्ज़ेगोविना, और बोस्निया हर्ज़ेगोविना के नीचे आपको मिल जाएगा अल्बानिया सबसे नीचे वाला, तो ये वाला हो जाएगा आपका अल्बानिया। उसी तरह अगर बगल में हम लोग आए यहाँ पर तो ये जो बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है ये आपका है रोमानिया, और इसके नीचे आपका है बुल्गारिया, तो रोमानिया और बुल्गारिया ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये आपका है, अगर बात करें ब्लैक सी तो इसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन पूरा हम लोगों ने कवर कर लिया, बीच में आपको इटली दिख रहा है और ये आपका है ग्रीस, ये ग्रीस हो गया और ये इटली हो गया, ठीक है। अब बाल्टिक स्टेट्स की बात करें तो बाल्टिक स्टेट्स कौन से हैं, तो ये आपके 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं जिनको आप बोल सकते हो इस्टोनिया, लटविया और लिथुआनिया। सबसे ऊपर हो गया इस्टोनिया, उसके नीचे हो गया लटविया, और उसके नीचे हो गया लिथुआनिया, तो इनको बोला जाता है कलेक्टिवली बाल्टिक स्टेट्स, जो कि आपके नाटो के मेंबर भी हैं, जियोपॉलिटिकल आप कह सकते हैं एग्रीमेंट है बाल्टिक स्टेट्स का। तो ये इस्टोनिया, लटविया और लिथुआनिया 3 सॉवरेन स्टेट्स से मिलकर के ये पूरा बाल्टिक स्टेट्स बना हुआ है। उसके बाद ये आप सभी को पता ही होगा कि ये क्या है, यहाँ से हमारी ग्रीनविच आप कह सकते हैं निकलती है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के बगल में आप देखोगे तो ये आपका आयरलैंड हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर आपकी एक कंट्री छूट रही थी ये वाली, तो ये आपकी स्विट्जरलैंड है, राइट। उसके बाद आ जाओ फ्रेंड्स यहाँ पर स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पे, अगर हम लोग देखें ये पूरा स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, तो यहाँ पर आपका नॉर्वे से आप स्टार्ट कीजिए, नॉर्वे, उसके बगल में ये आपका स्वीडन, और ये जो लास्ट वाला थोड़ा अलग है वो हो जाएगा फिनलैंड। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये बिल्कुल लाइन से हो गए। तो देखिए मैप आपका पूरा यूरोप का मैप कवर हो गया, अगर हम पॉलिटिकल मैप की बात करें यूरोप की तो पूरा मैप कवर हो चुका है। कैसे, मैंने आपको एक लाइन खींची थी, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, एक लाइन खींची थी पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन और ये ऊपर वाला बेलारूस,
उसके बाद इसके ऊपर के हम लोग जाएँ तो यहाँ पर आपको बाल्टिक स्टेट्स मैंने बताए, एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, ये तीन बाल्टिक स्टेट्स हो गए। उसके बाद अगर हम लोग स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला की बात करें तो ये पूरा स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है। क्यों इसको स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पूरा स्कैंडिनेवियन माउंटेन है जो फैला हुआ है आपका नॉर्वे और स्वीडन में, राइट। तो इस पूरे में तीन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग ये बीच वाला जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर घिचपिच आपको जहाँ पर लग रहा है वो भी बहुत ईजी था याद करना। कैसे? एक आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले लो, आप ले लो एक रेफरेंस पॉइंट जैसे चेक रिपब्लिक, तो चेक रिपब्लिक के बगल में हो जाएगा स्लोवाकिया, स्लोवाकिया के नीचे आपका हो जाएगा हंगरी, हंगरी के बगल में आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के नीचे आपका स्लोवेनिया। अब स्लोवेनिया और स्लोवेकिया इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आपका चेक रिपब्लिक के अगर आप ईस्ट में देखोगे तो वहाँ पर आपका है स्लोवेकिया, और चेक रिपब्लिक के साउथ में देखोगे तो वहाँ पर है आपका स्लोवेनिया, ठीक है। और स्लोवेनिया के नीचे आप आओ तो ये जो मैंने तिरछा सा बताया ये आपका है क्रोएटिया, और क्रोएटिया के नीचे बोस्निया हर्जेगोविना, और बोस्निया हर्जेगोविना के नीचे आपको मिल जाएगा अल्बानिया। उसके बाद हमारे पास ये बस दो कंट्रीज बची हैं, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा रोमानिया और नीचे वाला हो जाएगा बुल्गारिया। रोमानिया की कैपिटल क्या है? ब्यूकरेस्ट, ठीक है। तो आप देखिए कितना इजी था, पूरा आपका यूरोप का मैप हो गया। और ये जो दो अलग से बड़ी बड़ी कंट्रीज दिख रहे हैं ये आपका हो जाएगा इटली और ये आपका हो जाएगा ग्रीस। तो पूरा आपका ये जो यूरोप है उसका पॉलिटिकल मैप कर दिया। उसी तरह इसका फिजिकल मैप है, यहाँ पर आल्प्स माउंटेन है, डेनेरियन आल्प्स हैं, जो बहुत सारे रिवर्स हैं जिसमें एल्बे है, डेन्यूब रिवर है जो आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इस कंट्री से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो ये डेनिपर रिवर है। तो ये सारा जब हम लोग अलग से मैप सेक्शन का भी डिस्कस करेंगे तो एटलस का जब हम लोग सीरीज चलाएंगे तो उसमें आपको पूरा क्लियर और विद आप कह सकते हो ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीन ट्रिक्स से पूरा का पूरा जो यूरोप का पॉलिटिकल मैप था सारी कंट्रीज़ के नाम मैंने आपको और लोकेशन बता दी, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, ज्योग्राफी समझनी है, तो अगर आपको मैप की नॉलेज है तो आपके स्टडी को और इंटरेस्टिंग बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था कि जो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है हमारा उसका जो एक्सटेंट है आप कह सकते हो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के अंदर वो कहाँ कहाँ पर है, तो ये सारी बात हम लोगों ने कर ली। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया फ्रांस में है, ठीक है, बेल्जियम में है, नीदरलैंड, डेनमार्क, अगर वेस्टर्न नॉर्वे की बात करें या फिर इबेरिया की बात करें, राइट। नाउ देयर इज सो मच ओशियानिक इन्फ्लुएंस ऑन बोथ द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन दैट द क्लाइमेट इज ऑल्सो रिफर टू एज द नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन मैरीटाइम क्लाइमेट। तो ये भी कहना बिल्कुल सही है क्योंकि अगर हम लोग इस पूरे लोकेशन की बात करें तो आप देख रहे होंगे ऊपर आर्कटिक सी है, अगर हम इसके लेफ्ट में देखें या वेस्ट साइड में देखें तो यहाँ पर आपको अटलांटिक ओशन मिलेगा पूरा, और अगर साउथ में हम लोग जाएं तो यहाँ पर आपको मेडिट्रेनियन सी मिल जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये आपका मेडिट्रेनियन सी है, ये आपका अटलांटिक ओशन है, इसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको नॉर्थ सी मिलेगी या फिर आर्कटिक ओशन मिलेगा, राइट। So in this way we can say that there is so much oceanic influence on both the temperature and precipitation that the climate is also referred to as northwest European maritime climate, right? अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें फ्रेंड्स तो जो रॉकीज माउंटेन्स हैं वो आप कह सकते हैं जो ऑन शोर वेस्टर्लीज हैं वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा इनलैंड में जाने से रोकेंगी, बहुत ज़्यादा इनलैंड में वो नहीं पहुँच पाएंगे। तो जो हमारा ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो मेनली जो ब्रिटिश कोलंबिया का कोस्टलैंड्स हैं वहाँ तक ही कन्फाइंड रहता है, ठीक है, और वहाँ पर ये रेनफॉल करवाता है। अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो क्लाइमेट हमारा सदर्न चिले, तस्मानिया जो कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे आपको दिख रहा था, एंड मोस्ट पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड, तो पर्टिकुलरली आप कह सकते हैं न्यूजीलैंड का जो साउदर्न आइलैंड है या साउथ आइलैंड है वहाँ पर ये क्लाइमेट हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। एंड द सराउंडिंग लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ वाटर हैव इंक्रीज द मैरीटाइम नेचर ऑफ द क्लाइमेट हियर। अब जो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस होता है अब या फिर अगर हम न्यूजीलैंड के पार्ट को देखें या फिर तस्मानिया रीजन को देखें या फिर अगर हम चिले रीजन को देखें, अगर इसकी बात करें तो ये पूरा जो पैसिफिक ओशन है सदर्न पैसिफिक ओशन उसके इन्फ्लुएंस में है। यहाँ पर ये आपका तस्मानिया है आप देख रहे होंगे स्टडी के नीचे, तो यहाँ पर ये पूरा आपका इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के इन्फ्लुएंस में रहता है। और अगर हम इस बात साउथ आइलैंड की बात करें न्यूजीलैंड की तो वहाँ पर भी पूरा हमें मैरीटाइम इन्फ्लुएंस या फिर ओशियनिक इन्फ्लुएंस बराबर मिलता रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब अगर हम बात करें सीजन्स की तो सीजन से पहले हम लोग देख लेते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, मॉडरेटली वार्म समर्स एंड फेयरली माइल्ड विंटर्स। तो ये क्यों होता है ऐसा, फेयरली माइल्ड विंटर्स या मॉडरेट वार्म समर्स क्यों होते हैं? क्योंकि हमने अभी देखा कि पूरा जो क्लाइमेटिक जोन है हमारा ये पूरा ही मैरीटाइम इन्फ्लुएंस या ओशियनिक इन्फ्लुएंस में रहता है, जिसके कारण जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पाता है ना ही बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर वो गिरने देता है। अगर हम पर्टिकुलरली समर सीजन की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, और अगर हम विंटर्स की बात करें शीत ऋतु की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम नहीं होने पाता है, क्योंकि वो हमेशा मॉडरेटिंग इफेक्ट में रहता है ओशियंस के, राइट। नाउ द रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर विद मैक्सिमम अमाउंट इन विंटर
एंड द मीन एनुअल टेम्परेचर आज यूजली बिटवीन 40-60 डिग्री फॉरेनहाइट। तो ये जो मीन एनुअल टेम्परेचर है ये 40-60 डिग्री फॉरेनहाइट तक रहता है, और जो रेनफॉल होता है वो आप कह सकते हैं ज़्यादातर विंटर्स में होता है, वैसे तो थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल यहाँ पर होता रहता है। एंड विंटर सीजन इन विंटर सीजन इज़ माइल्ड ड्यू टू द वार्मिंग इफेक्ट ऑफ द वार्म ओशन करंट। तो अगर हम बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट की, तो वहाँ पर आप देखेंगे जो आपका आयरलैंड और ब्रिटेन वाला सी रीजन था, वहाँ पर आपकी एक वार्म ओशन करंट भी बहती है। मैंने पहले भी आपको वीडियोज़ में बताया है कि अगर हम इस रीजन की बात करें जिसको आप नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इस रीजन में वार्म ओशन करंट्स बहती हैं। अब वार्म ओशन करंट्स में आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आप कह लो, या फिर आप कह लो जो यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, तो वो एक वार्म ओशन करंट है। तो इसके कारण ये विंटर्स में जो यहाँ के पोर्ट्स हैं उनको फ्रोजन कंडीशन में नहीं जाने देती हैं। मतलब अगर विंटर्स की बात करें, ठंडियों की बात करें, तो इसी लैटिट्यूडनल पोजीशन पे जो बाकी जगह हैं वो बिल्कुल बर्फ़ से ढके रहते हैं, लेकिन ये रीजन जो है हमारा जहाँ पर ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये बिल्कुल फ्रॉस्ट फ्री होता है या फिर फ्रोजन कंडीशन में नहीं होता है, बर्फ़ यहाँ नहीं जमने पाती है शीत ऋतु में। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके जो कोस्ट होते हैं उनको बराबर जो हमारा वार्म ओशन करंट है वो वॉश करता रहता है। अब वार्म ओशन करंट्स हैं तो बर्फ़ जितनी होगी वो पिघल जाएगी, इसीलिए जो ऊपर हम लोगों ने बोला था कि पोर्ट्स आर नेवर फ्रोजन बट फ्रॉस्ट डू अकर ऑन कोल्ड नाइट्स। तो उसका रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर वार्म ओशन करंट्स लगातार बहती रहती हैं, राइट। तो जो हमारा विंटर सीजन है वो माइल्ड होता है क्योंकि ये जो वार्म ओशन करंट है ये आपकी वार्मिंग इफेक्ट डालती हैं। और ये जो वार्म ओशन करंट है इसका नाम क्या है? तो आप कह सकते हो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या गल्फ स्ट्रीम। समटाइम्स अनयूजुअल कोल्ड स्पेल्स आर कॉज्ड बाय द इन्वेजन ऑफ कोल्ड पोलर कॉन्टिनेंटल एयर फ्रॉम द इंटीरियर्स। अब कई बार क्या होता है कि कोल्ड ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है, लेकिन ये बिल्कुल आप कह सकते हो अनयूजुअल है, जनरल कंडीशन में नहीं होता है, कभी कभी होता है, समटाइम्स अकर्स। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द पोलर वोर्टेक्स। जो पोलर रीजन से, नॉर्दर्न रीजन से, आप कह सकते हो साइबेरियन इंटीरियर से जो पोलर आप कह सकते हो एयर करेंट्स जो आ रही हैं जो कि बहुत ठंडी होती हैं, उनके कारण यहाँ पर कभी कभी ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब अगर रेनफॉल रिजाइम की बात करें या प्रेसिपिटेशन की बात करें, सो द ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट हैज एडिक्वेट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पूरा एक क्लाइमेटिक जोन जो है, अभी हम लोगों ने देखा कि जो ऑनशोर ट्रेड विंड्स हैं उनके इन्फ्लुएंस में रहता है। ऑनशोर ट्रेड विंड्स रेन बीरिंग विंड्स होती हैं, मॉइस्चर लादेन विंड्स होती हैं, जिसके कारण थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर रेनफॉल होता रहता है विद अ टेंडेंसी टुवर्ड्स अ स्लाइट विंटर और ऑटम मैक्सिमम ड्यू टू द फ्रंटल साइक्लोन्स। अब ये जो रीजन है हमारा वो फ्रंटोजेनेसिस का भी रीजन है। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था जो साइक्लोन्स का हम लोगों ने लेक्चर किया था, टेम्परेट साइक्लोन्स का पर्टिकुलरली, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऊपर से जो हमारी वार्म एयर करंट है और नीचे से जो हमारी वार्म एयर करंट है या जो वार्म एयर पॉकेट है वो एयर कोल्ड एयर पॉकेट है, ये जब आपस में टकराती हैं तो एक फ्रंट बनाती हैं, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। तो यहाँ पर इसको डिटेल में समझने के लिए आप पिछला लेक्चर वहाँ पर आप जा सकते हैं जहाँ पर हम लोगों ने टेम्परेट साइक्लोन्स की बात की थी। नाउ द वेस्टर्न मार्जिन हैव हैवीएस्ट रेनफॉल ड्यू टू द वेस्टर्लीज के कारण हैवीएस्ट रेनफॉल होती है बिकॉज दे आर रेन बेयरिंग विंड फ्रॉम द वेस्ट एंड रिलीफ कैन मेक ग्रेट डिफरेंसेज इन द एनुअल अमाउंट, राइट। क्योंकि जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल होगी, जो हमारे कॉन्टिनेंटल एरियाज हैं वो वेस्टर्लीज जो रेन बेयरिंग विंड्स है वो वहाँ पर रेनफॉल करवाएंगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। नाउ दिस इज क्लियरली एक्सपीरियंस इन न्यूजीलैंड वेयर द वेस्टर्न मार्जिन आर सब्जेक्ट टू हैवी ओरोग्राफिक रेनफॉल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम वेस्टर्न मार्जिन की बात करें न्यूजीलैंड की, तो वहाँ पर माउंटेन्स हैं जिसके कारण ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, वेयर एज द ईस्टर्न कैंटाबरी जो प्लेन्स हैं दे रिसीव्स कंपेरेटिवली लेस रेनफॉल ड्यू टू द रेन शेडो इफेक्ट। तो जो रीजन्स हैं, अगर आप सपोज करो अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, तो इसका जो वेस्टर्न मार्जिन है, आप सपोज करो यहाँ पर ये एक माउंटेन है, तो जो रेन बियरिंग विंड्स हैं वो इस माउंटेन से टकरा करके जो इसका विंडवर्ड साइड है वहाँ पर तो रेनफॉल करवा देती हैं, लेकिन अगर हम ईस्टर्न कैंटाबरी प्लेन्स की बात करें जो कि यहाँ पर हैं, तो ये आपका रेन शेडो एरिया में पड़ जाता है। रेन शेडो एरिया मतलब जो माउंटेन का हमारा लीवर्ड साइड है उस जोन में ये वाला पर्टिकुलर प्लेस लाई करेगा। तो यहाँ पर जो अब विंड्स आएंगी, तो ऑनशोर विंड्स यहाँ पर मॉइस्चर खत्म करके अपना सारा रेनफॉल विंडवर्ड साइड में करा करके जब पीछे की साइड में बैकवर्ड एरिया में जाएंगे रेन शेडो एरिया में, तो वो एज अ ड्राई विंड वहाँ पर फ्लो होंगी। तो ड्राई होने के कारण उनमें मॉइस्चर नहीं होता है, तो आप कह सकते हो कि मॉइस्चर कम होने के कारण वो यहाँ पर जो हमारी कैंटाबरी प्लेन्स हैं वहाँ पर कम रेनफॉल करवाती हैं, राइट। अब अगर सीजन्स की बात करें फ्रेंड्स, सो एज इन अदर टेम्परेट रीजन्स देयर आर फोर डिस्टिंक्ट सीजन्स एंड इन विंटर सीजन, अगर विंटर सीजन की बात करें, सो द विंटर सीजन इज़
क्लाउडी स्काईज, फॉगी मिस्टी मॉर्निंग्स एंड मैनी रेनी डेज फ्रॉम द पासिंग डिप्रेशंस, राइट? क्योंकि एंटीसाइक्लोनिक या साइक्लोनिक कंडीशन वहाँ पे बनती है. अब अगर स्प्रिंग की बात करें, सो स्प्रिंग इज ड्राइएस्ट एंड मोस्ट रिफ्रेशिंग सीजन व्हेन द पीपल इमर्जेस फ्रॉम द डिप्रेशिंग विंटर टू सी एवरीथिंग बिकमिंग ग्रीन अगेन. नाउ दिस इज फॉलोड बाय लॉन्ग सनी समर्स. तो ये कुछ डिस्टिंक्ट सीजन्स हैं. मेन आपको जो इसमें आपको कंसेप्ट दिमाग में बैठाना है वो आपका है विंटर्स और समर्स का. जो मेन कंसेप्ट है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पे, राइट? नाउ द नेचुरल वेजिटेशन इन ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट. अगर नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पर मेनली हमारे डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं एंड ट्रीज शेड देयर लीव्स इन कोल्ड सीजन. मैंने आपको बताया जो ड्राई स्पेल्स होते हैं या जो ड्राई सीजन होता है वहाँ पर जो ट्रीज होते हैं वो अपने लीव्स को अपने से अलग कर देते हैं, पत्ते अपने से दूर गिरा देते हैं, और वैसे ट्रीज क्या कहलाते हैं? डिसीडियस ट्रीज. एंड दिस इज एन एडॉप्शन फॉर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स अगेंस्ट द विंटर स्नो एंड फ्रॉस्ट, ठीक है? तो ये एक तरीके का क्लाइमेट अडॉप्ट करने की बात हुई. जो डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं वो क्लाइमेट को अडॉप्ट करना जानते हैं. तो जब उनको ड्राई सीजन मिलता है या कोल्ड सीजन मिलता है तो ड्यूरिंग द ड्राई स्पेल्स दे शेड देयर लीव्स एंड आफ्टर सम टाइम अगेन वहाँ पर लीव्स आने लगती हैं. और ये जब कोल्ड सीजन हमारा ख़त्म होता है और जब रेनी सीजन आता है तो पत्तियाँ दोबारा पेड़ पे आने लगती हैं. नाउ दिस इज द अडॉप्शन फॉर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स. वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. नाउ शेडिंग बिगेंस इन ऑटम. ऑटम सीजन में शेडिंग बिगेन शुरू हो जाती है एंड द फॉल सीजन देन अकर्स. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो ओक, एल्म, ऐश, बिर्च, बीच एंड पॉपुलर, ये सारे कुछ फेमस डिसीडियस ट्रीज हैं इस रीजन के. एंड इन द वेटर एरियाज वहाँ पर विलोज आप कह सकते हो, एक ट्री का टाइप है विलोज. और इंडिया में जो अगर बात करें कि विलोज कहाँ पर पाया जाता है इंडिया में, तो ये आपके कश्मीर में मिलते हैं. और बेसिकली जो लाइट वेट क्रिकेट बैट्स होते हैं जो बहुत महंगे मिलते हैं मार्केट में, तो वो आपके कह सकते हो विलोज के जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं विलोज, उनकी जो बार्क होती है या जो स्टेम होता है वहाँ से बनाया जाता है, राइट? नाउ हायर अप द माउंटेन्स इन स्कैंडिनेवियन हाईलैंड्स. स्कैंडिनेविया की बात करें जहाँ पर आपको मैंने बेसिकली तीन कंट्रीज बताई, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड का जो एरिया है, और या फिर आप कह सकते हो रॉकीज या एंडीज का सदर्न पोर्शन जहाँ पर चिले मैंने आपको बताया सदर्न चिले में, एंड सदर्न आल्प्स ऑफ द न्यूजीलैंड. द डिसीडियस ट्रीज आर जनरली रिप्लेस्ड बाय द कार्निफर्स. तो इन जगहों पर जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं जैसे कि स्कैंडिनेवियन हाईलैंड्स हो गए, रॉकीज हो गए, एंडीज हो गए, सदर्न आल्प्स हो गए न्यूजीलैंड का, तो यहाँ पर जो डिसीडियस ट्रीज हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय द कार्निफर्स. तो वहाँ पर कार्निफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं डिसीडियस ट्रीज की जगह पर, एंड विच कैन सर्वाइव अ हायर एल्टीट्यूड एंड अ लोअर टेम्परेचर एंड पुअरर सॉइल्स, राइट? अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में. तो लंबरिंग इज क्वाइट प्रॉफिटेबल ईयर एंड अनलाइक द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट द डिसीडियस ट्रीज अकर इन प्योर स्टैंड्स एंड हैव अ ग्रेटर लंबरिंग वैल्यू. तो ये सारी बातें तो हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कर ही चुके हैं. नाउ द ओपन नेचर ऑफ द फॉरेस्ट विद स्पार्स अंडर ग्रोथ इज यूजफुल इन लॉजिंग ऑपरेशन एंड ईजी पेनिट्रेशन मीन्स मच कॉस्ट कैन बी सेव्ड इन द मूवमेंट ऑफ लॉग्स, राइट? एंड द डिसीडियस हार्डवुड्स आर एक्सीलेंट फॉर बोथ फ्यूल एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेज. जो हार्डवुड ट्रीज हैं वो इंडस्ट्रियल और फ्यूल दोनों पर्पसेज से इस्तेमाल की जाती हैं. अगर तशमाने की बात करें तो जो टेम्परेट यूकेलिप्टस होते हैं वो दे आर ऑल्सो एक्सटेंसिवली फेल्ड फॉर द लंबरिंग इंडस्ट्री. एंड हायर अप द माउंटेंस कॉर्निफर्स या सॉफ्टवुड ट्रीज जो होते हैं, जैसे जो कॉर्निफर्स हैं वो आपके सॉफ्टवुड प्लांट्स हैं, राइट? और जो डिसीडियस ट्रीज हो जाते हैं वो आपके हार्डवुड ट्रीज हो जाते हैं. तो जो ये कॉर्निफर्स हैं जो सॉफ्टवुड ट्रीज हैं दे आर फेल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री. जो सॉफ्टवुड ट्रीज होती हैं उनको उनसे बेसिकली पेपर या पल्प बनाए जाते हैं एंड दे आर एक्सटेंसिवली यूज इन कार्डबोर्ड मेकिंग, राइट? इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करें तो अब ये सारी जो पोर्शन है फ्रेंड्स ये फैक्चुअल पार्ट है हमारा इस चैप्टर का. जो कॉन्सेप्चुअल था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. तो फैक्चुअल में आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो याद करने पड़ेंगे हर क्लाइमेटिक जोन के या हर पर्टिकुलर प्लेस के. तो जो कंट्रीज हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, सो दीज कंट्रीज आर कंसर्न इन द प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स एंड अदर मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स रादर देन एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड लंबरिंग. दो दीज एक्टिविटीज आर वेल रिप्रेजेंटेड इन सम ऑफ द कंट्रीज. नाउ फिशिंग पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन ब्रिटेन. ब्रिटेन में फिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. या नॉर्वे की बात कर लें, ब्रिटिश कोलंबिया, तो इन जगहों पर फिशिंग फ्लरिश्ड है, ठीक है? ब्रिटेन, नॉर्वे या ब्रिटिश कोलंबिया में. अब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की बात करें, सो दे हैव वेरी सिग्निफिकेंट मिनरल रिसोर्स एंड हैवली इंडस्ट्रियलाइज्ड,
तो यहाँ पर जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, और अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी का जो रूर एरिया है वहाँ पर वो भी अलग ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये सारी बात हम लोग करेंगे जब हम लोग पर्टिकुलरली मिनरल्स को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने कि रूर रीजन ऑफ जर्मनी या यॉर्कशायर, मैनचेस्टर एंड लिवरपूल रीजन इन ब्रिटेन आर सिग्निफिकेंट फॉर वाइड रेंजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नाउ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज मोस्ट सिग्निफिकेंट, जैसे BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes Benz एंड मेनी अदर वर्ल्ड्स लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर्स हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन जर्मनी, राइट? क्योंकि आप कह सकते हो जो आयरन ओर है मेनली वहाँ पर बहुत बढ़िया मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एंड द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द डेयरी प्रोडक्ट्स थ्राइव इन डेनमार्क, नीदरलैंड एंड न्यूजीलैंड। तस्मानिया इज इंपॉर्टेंट फॉर मेरीनो वूल प्रोडक्शन, वूल प्रोड्यूस हियर इज एक्सपोर्टेड टू टेक्सटाइल फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड, जापान, चाइना एक्सेट्रा। अब अगर एग्रीकल्चर की बात करें फ्रेंड्स, तो अ लार्ज रेंज ऑफ सीरियल्स, फ्रूट्स एंड रूट क्रॉप्स आर रेज्ड मेनली फॉर होम कंजम्पशन रादर देन फॉर एक्सपोर्ट्स, राइट? नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप की अगर बात करें, इट इंक्लूड्स सम ऑफ द मोस्ट क्राउडेड पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, मैंने आपको अभी दिखाया था मैप में जब मैं बता रहा था आपको, एंड हैज़ लिटिल सरप्लस फॉर एक्सपोर्ट्स। इट इज़ इन फैक्ट नेट इम्पोर्टर ऑफ फूड क्रॉप, स्पेशली वीट। वीट का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट किया जाता है पूरे वर्ल्ड से। मार्केट गार्डनिंग की अगर पर्टिकुलरली हम लोग बात करें, तो ऑल द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज आर हाईली इंडस्ट्रियलाइज एंड हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज। देयर विल नॉर्मली बी ग्रेट डिमांड फॉर फ्रेश वेजिटेबल्स, एग्स, मीट, मिल्क एंड फ्रूट्स एज द क्रॉप्स आर पेरिशेबल। जैसे क्रॉप जो होते हैं हमें पता है कि ये पेरिशेबल होते हैं। अ गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट इज इंडिस्पेंसिबल, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। नाउ द प्रोड्यूस आर शिप्ड बाय द हाई स्पीड ट्रक्स एंड ट्रक फार्मिंग विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इन ऑस्ट्रेलिया। हाई स्पीड बोट्स प्लाई अक्रॉस द बास स्ट्रेट्स डेली फ्रॉम तस्मानिया टू रश वेजिटेबल्स, टोमेटोज, एप्पल्स एंड बीन्स टू मोस्ट ऑफ द लार्ज सिटीज इन मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये अब ये कुछ ट्रांसपोर्टेशन के मोड लिखे हुए हैं। जैसे अमेरिका की बात करें तो हाई स्पीड ट्रक्स वहाँ पर चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मेनली फूड क्रॉप्स के लिए, क्योंकि जो फूड क्रॉप्स होते हैं दे आर पेरिशेबल इन नेचर। पेरिशेबल मतलब कि बहुत ज़्यादा दिन तक वो नहीं रखे जा सकते स्टोरेज उनका, क्योंकि वो ख़राब हो सकते हैं, पेरिशेबल होते हैं नेचर में। तो ट्रांसपोर्टेशन अगर हमारे पास अच्छा होगा तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जो कि नीडी प्लेस है वहाँ पर हम वो फूड क्रॉप्स पहुँचा सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर हम लोग हाई स्पीड प्लाई बोट्स का इस्तेमाल करते हैं बास स्ट्रेट के थ्रू, जहाँ से तस्मानिया से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक, जो ऑस्ट्रेलिया के मेन इनलैंड सिटीज़ हैं या लार्ज सिटीज़ हैं, वहाँ पर हम लोग जो फूड क्रॉप्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इट इज़ नो वंडर द ऑस्ट्रेलियंस निकनेम तस्मानिया द गार्डन स्टेट, राइट? क्योंकि जो भी फूड क्रॉप्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, वो तस्मानिया टू ऑस्ट्रेलिया ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू बास स्ट्रेट। अगर मिक्सड फार्मिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो विद द राइज ऑफ इंडस्ट्री मोर एरेबल फार्म्स आर बींग डिवर्ल्ड बाई द फैक्ट्रीज एंड वीट इज़ नाउ नेट इम्पोर्ट आइटम इन द यूरोप। थ्रू आउट द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप फार्मर्स प्रैक्टिसाइज बोथ एरेबल फार्मिंग, यू कैन से दैट कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन प्लव्ड लैंड एंड पैश्योरल फार्मिंग, एंड विच आई मीन टू से कीपिंग एनिमल्स ऑन द ग्रास मिडोज, राइट? तो पैश्योरल फार्मिंग और एरेबल फार्मिंग नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में दोनों ही पॉपुलर हैं, दोनों ही की जाती हैं। लेकिन जो हमारा एरेबल फार्मिंग है ये आप कह सकते हो कल्टीवेशन प्लव्ड लैंड पे जो कल्टीवेशन होता है, और जो पैश्योरल फार्मिंग है वहाँ पर मेनली जो रेंचिंग होती है एनिमल और जो ग्रास मिडोज होते हैं वहाँ पर पैश्योरल फार्मिंग की जाती है। नाउ द अमंग्स द सीरियल्स वीट इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिवली ग्रोन एंड ऑलमोस्ट इंटायरली फॉर द होम कंजम्पशन, राइट? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो यूरोप है हमारा, मेनली जो फूड क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर इंपोर्ट की जाती हैं। अब जैसे वीट है वो स्टेपल डाइट है, तो यहाँ पर ये इंपोर्ट किया जाता है, और जो भी उगाया जाता है वो होम कंजम्पशन के लिए उगाया जाता है। एक्सपोर्ट के पर्पज़ से यहाँ पर एग्रीकल्चर या फार्मिंग बहुत कम होती है, राइट? नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल रेज्ड इन द मिक्स्ड फार्म इज बार्ले, एंड द बेटर क्वालिटी बार्ले इज सोल्ड टू द बेवरीज फॉर द बियर मेकिंग और विस्की डिस्टिलिंग, राइट? तो यहाँ पर बियर और विस्की आपको पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है, तो जो भी बार्ले होता है वो उसका उपयोग हम लोग इस इंडस्ट्री में करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल केप्ट इन द मिक्स्ड फार्म्स आर कैटल्स। द कंट्रीज बॉर्डरिंग द नॉर्थ सी, जो कंट्रीज हैं आपकी ब्रिटेन, डेनमार्क, नीदरलैंड, दे आर सम ऑफ द मोस्ट एडवांस डेयरिंग कंट्रीज वेयर कैटल्स आर केप्ट ऑन द साइंटिफिक एंड इंटेंसिव बेसिस, राइट? अब अगर डेयरिंग की बात करें फ्रेंड्स, द टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज ऑलमोस्ट आइडियल फॉर इंटेंसिव डेयरिंग, एंड चीज़ इज स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ द नीदरलैंड। फ्रॉम डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड कम्स हाई क्वालिटी बटर, मिल्क इज कन्वर्टेड टू क्रीम,
which is less perishable than the fresh milk and is exported to all the region across the globe. जो milk है उसको cream में हम लोग convert कर देते हैं, क्योंकि जो milk होता है वो ज़्यादा perishable nature का होता है, cream जो है वो आपका या जो butter है वो आपका कम perishable nature का होता है. फिर इसको हम लोग convert करके cream या butter में throughout the region, आप कह सकते हो पूरे globe में हम लोग इसको export करते हैं इस region से. Now the fresh milk is converted into various forms of condensed and evaporated milk and exported around the world for the baby feeding या फिर कन्फेक्शनरी, आइसक्रीम, चॉकलेट मेकिंग एक्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स. तो यहाँ पर हम लोग फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल करते हैं. बीफ और कैटल की बात करें तो बिसाइड्स डेयरिंग सम कैटल्स आर केप्ट एज बीफ कैटल. इन अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया मीट प्रोडक्शन इज द प्राइमरी कंसर्न. अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जो मीट प्रोडक्शन है वो मेन कंसर्न होता है. हाई रेट ऑफ बीफ कंजम्पशन इन यूरोप नेसेसिटेट्स लार्ज इम्पोर्ट्स ऑफ फ्रोजन एंड चिल्ड बीफ. राइट, वहाँ यूरोप में सबसे ज़्यादा बीफ का कंजम्पशन किया जाता है. तो जो जहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा होगा वहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी. अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इंपोर्ट्स वहाँ पर ज़्यादा होगा. और फ्रेंड्स, जो पिग और पोल्ट्री है ये दे एक्ट एज अ स्कैवेंजर. मतलब जो इंड प्रोडक्ट होता था फूड क्रॉप्स का या रूट क्रॉप्स का, उस पर ये फीडिंग करते थे. सो वी कैन से दैट दे आर एक्टिंग एज स्कैवेंजर्स. राइट, उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला हमारा है शीप रेयरिंग. तो शीप आर केप्ट बोथ फॉर वूल एंड मटन एज वी ऑल नो दैट. एंड ब्रिटेन इज the home of some of the best known sheep breeds. लेकिन जैसे जैसे industrialization, urbanization और agriculture बढ़ा तो जो ये sheep rearing का occupation था ये कम होता गया. और कभी Britain पूरे world में wool का exporter था, but now it imports wool from the Australia. But today exports only British pedigree animals to the newer sheep lands of the world, which we can say that Australia. तो मतलब कभी Britain, जो Britain है वो पूरे world में wool export करता था, लेकिन आज ये खुद ही वूल को इंपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया से. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑक्यूपेशन है बहुत कम होता चला गया. एंड अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो यहाँ पर न्यूजीलैंड, यहाँ पर आपका जो शीप रेयरिंग है ये चीफ ऑक्यूपेशन की तरफ वर्क करता है. तो जो आपका न्यूजीलैंड का कैंटेबरी प्लेन एरिया है जो कि आपका रेन शेडो एरिया है, यहाँ पर सारे फेवरेबल कंडीशंस मौजूद हैं शीप रेयरिंग के. नाउ इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट फॉर एवरी न्यूजीलैंडर देयर आर 20 शीप्स. राइट, यहाँ पर जितने भी लोग निवास करते हैं यहाँ ऐसा कहा जाता है कि हर किसी के पास 20 भेड़ें तो होंगी ही. नाउ फेवरेबल कंडीशंस में क्या कौन कौन सी कंडीशंस हैं, तो एक्सटेंसिव मिडोज, माइल्ड टेम्परेट क्लाइमेट, वेल ड्रेन्ड ग्राउंड लेवल, साइंटिफिक एनिमल ब्रीडिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इनेबल्स चिल्ड कैंटेबरी लैम्ब एंड कोरिडेल मटन टू रीच एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब. थ्रू द न्यूजीलैंड हैज़ ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड शीप पॉपुलेशन. अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की जो शीप पॉपुलेशन है उसका केवल 4% पॉपुलेशन न्यूजीलैंड में है, लेकिन इट अकाउंट्स फॉर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड मटन एक्सपोर्ट. अगर मटन एक्सपोर्ट्स की बात करें तो न्यूजीलैंड अकाउंट्स फॉर 2/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, टोटल एक्सपोर्ट्स. एंड इफ यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वूल प्रोडक्शन और वूल एक्सपोर्ट, सो इट अकाउंट्स फॉर 1/6 ऑफ द वर्ल्ड वूल एक्सपोर्ट्स. राइट, तो इस तरह से देखा जाए तो पॉपुलेशन या अवेलेबिलिटी वहाँ पर बहुत कम है, लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है. मतलब ये जो ऑक्यूपेशन है शीप रेयरिंग का वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लरिश कंडीशन में है. इन तस्मानिया सदर्न चिले की बात करें, शीप रेयरिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रीडोमिनेंट ऑक्यूपेशन विद सरप्लस शीप प्रोडक्ट्स फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड. एंड कुछ अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की बात करें इस रीजन की, तो फूड क्रॉप्स में आप फूड क्रॉप्स के अलावा पोटैटोज़ यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में ग्रो किए जाते हैं. एंड इट इज़ अ स्टेपल फूड इन सप्लीमेंटिंग व्हीट और ब्रेड फॉर मिलियंस ऑफ पीपल. And in terms of starch, potato yield far more than any cereals and can be cultivated over a wide range of climatic and soil types. Today almost 2/3 of the world annual production of potatoes comes from the Europe, of which Poland, Germany, France, UK are the major producers. Right? तो world का जो 2/3 potato production होता है वो केवल ये आप कह सकते हो कुछ countries Europe की दे देती हैं, Poland, Germany, France and UK. उसके बाद friends अगर beet sugar की बात करें तो इस crop की आवश्यकता में या नीड की आवश्यकता कैसे पड़ी, नेपोलियनिक जब वार हो रहे थे तो वहाँ पर जो शुगर था ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ शुगर, वी कैन से दैट कि द नीड ऑफ सच क्रॉप वॉज ग्रेटली फेल्ट. नाउ फाउंड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप. ये जो बीट शुगर है ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में मिलता है, जहाँ पर आप कह सकते हो यूरोपियन जो रशिया है वो भी इंक्लूडेड एंड इन सम पार्ट ऑफ द USA. एंड द बीट इज क्रश्ड फॉर शुगर और जो ग्रीन टॉप होता है इट इज़ यूज फॉर द एनिमल फॉडर. And the crop thrive best in the warmer and drier east of the Britain and in the mainland of the Europe. And the highest sugar yields is obtained when the autumn is both dry and sunny. Okay friends, तो जो इस तरह से हमारा जो पूरा क्लाइमेटिक जोन था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे आपके इसमें लिखे हुए हैं,
लाइन बाय लाइन हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट उसमें बात थी वो सारी हम लोगों ने बात कर ली है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो कि हमारा अगला क्लाइमेटिक फीचर्स है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अटेंशन। आस्क योर डाउट्स एंड क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन और कमेंट बॉक्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।